थोड़ा सा अमेरिका को टच कर लेते हैं, जो कुछ ग्लोबल मार्केट में हुआ कल, अमेरिकी फेड की तरफ से उम्मीद के मुताबिक 1/4% ब्याज दर बढ़ाई, कुछ चीजें अच्छी कही हैं पावेल साहब ने, और उस अच्छी चीज में एक ये कि शायद अब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत ना पड़े, 0.5% मैक्सिमम बढ़ाने की कोई जरूरत पड़े उससे काम हो जाएगा। दूसरी अच्छी चीज ये हुई कि पहली बार उन्हें महंगाई कमाने के संकेत लग रहे हैं, yes, sir। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत खुश होने की बात नहीं, जो कुछ खराब बातें कही इस साल तो ब्याज दरें घटना भूल जाओ। अगर जरूरत पड़ी महंगाई काबू में नहीं आई तो हमारा व्यू बदल भी सकते हैं, वो तो खैर हमेशा ही है। सो फेड की मीटिंग के बाद ऐसा कुछ खराब, बहुत अच्छा या बहुत खराब नहीं हुआ, मार्केट चूंकि मजबूती के मूड में है, और अमेरिका में एक चीज साफ दिख रही थी पिछले 2 हफ्तों से, देख ले हर डिप को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी गिरावट आती है। तो मैं ये कहूंगा कि ग्लोबल मार्केट से संकेत ठीक है, डॉलर इंडेक्स आपका कंफर्टेबल है, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ रहे हैं, तो जिन संकेतों के दम पर फेड की मीटिंग के बाद आपको ग्लोबल मार्केट्स में आगे बढ़ना है वो सब ठीक है, वहां कोई समस्या नहीं। हमारा जहां तक सवाल है, ग्लोबल संकेत मैंने आज पॉजिटिव रखे हैं, फॉर अ चेंज दीप आप सरप्राइज करेंगे, कल के FIs के आंकड़े शॉकिंग है, बहुत बढ़िया है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि फिर तो यही सवाल आता है, मेरे तो सवाल भी था ही, हुआ क्या है कल, मतलब 1785 करोड़ की कैश में FIs की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा, मतलब FIs को बजट तो पसंद ही आया। अब पता नहीं है, मतलब अगर FIs ने भी नहीं बेचा तो अदानी का स्टॉक बेचा किसने फिर, करेक्ट, ये दूसरा बड़ा सवाल है। तो आई थिंक कैश में 1785 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स फ्यूचर्स 800 करोड़ के खरीद डाले, स्टॉक फ्यूचर्स 243 करोड़ के खरीदा, मतलब आप FIs की जान लोगे अब ऐसे मार्केट में, और क्या करोगे इतने बढ़िया मार्केट में, उनके आंकड़े तो सब बढ़िया है, अब ट्रेडर या अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर्स वो बेच कर जाए तो FIs क्या करेंगे। आई थिंक बड़े दिनों बाद FIs के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लोकल फंड ने छोटी सही 530 करोड़ की अपने हिसाब से खरीदारी की, तो आज मुकाबला इस बात का भी है कि अदानी स्टॉक सेलर्स और FIs बायर्स, इन दोनों के बीच में कौन भारी पड़ता है, ये दूसरा संकेत है आपके लिए। और DIs के संकेत भी पॉजिटिव साइड में, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है, बजट भी सेंटीमेंट नेगेटिव को न्यूट्रल नहीं कर पाया, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सेंटीमेंट तो स्क्रीन से बनेगा, exactly। और स्क्रीन अभी भी आपको कंफर्ट नहीं दे रही है, बट FIs ने बजट को थम्स अप दिया, ये मान लेना, ये तो मानना चाहिए, ये मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए, बजट के लिहाज से FIs को कोई समस्या नहीं है, ठीक है।